आज हम हिमाद्री महाराज से बात करेंगे कि जब वो गांव में जाते हैं और गांव वालों को जब वो समझाते हैं कि बच्चों को क्यों शिक्षा के लिए नारायणपुर भेजना चाहिए, क्यों आश्रम भेजना चाहिए, तो उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो इन दिक्कतों को कैसे ओवरकम करते हैं। हिमाद्री महाराज, हम लोग अबूझमार के जब आदिवासी गाँव में जाते हैं तब उन गाँव में जाकर हम लोग सब लोगों को इकट्ठा करके बुलाते हैं। बुलाने का भी अलग तरीका है। बिहार जंगलों में उनके घोटुल होता है, घोटुल में जाके एक बड़ा सा ड्रम रहता है उनका, जो चमड़े से बना रहता है, उस ड्रम को बजाया जाता है। जब वो ड्रम का आवाज़ सुनने उनको सुनाई देता है तो हर घर से धीरे धीरे एक दो करके बच्चों के साथ निकल कर घोटुल में आते हैं। तो हम लोग घोटुल में चटाई बिछा कर बैठते हैं। बैठने के बाद गाँव वालों को बिठाया जाता है और फिर हम लोग अपना परिचय देते हैं कि रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर 35 सालों से तुम्हारे लिए काम कर रहा है, और इन बच्चों को आसपास के गांव के नाम बताते हैं कि इन गांव के बच्चे तुम्हारे पास हम लोगों के पास पढ़ रहे हैं। तब बताने के बाद उन लोग पूछते हैं कि नारायणपुर आश्रम की कहाँ पर है, तो हम लोग बताते हैं कि नारायणपुर मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूरी पर ही आश्रम है और आसपास के गाँव के बच्चे पढ़ते हैं, आपके गाँव से आज तक पढ़े नहीं हैं। और उनमें से गांव जिस गांव में हम लोग भीतर के गांव में जाते हैं उनमें से 2-1 आदमी को ही हिंदी थोड़ा सा बोलने के लिए आता है, बाकी सब मारिया बोली को ही बोलते हैं। जब उनको बताया जाता है आश्रम के बारे में तब उनको बताया ये भी जाता है कि आसपास के गांव से बच्चे पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षा कर्मी की नौकरी कर रहे हैं और फॉरेस्ट विभाग में काम कर रहे हैं। गाँव वालों के बच्चों को नाम भी बताते हैं और उनको बताते हैं कि आश्रम में किस तरह का सुविधा दिया जाता है, उनको हर तरह का आश्रम का एक्टिविटी के बारे में जानकारी दी जाता है कि बच्चों के साथ किस प्रकार का रख रखाव है। कहा जाता है जो भी हम लोग यहाँ पे बच्चों को देखभाल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बच्चों को हर समय साल भर में 3 जोड़ी कपड़ा देना, चप्पल, जूता, पीटी शू, स्कूल शू वगैरह देते हैं, और जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं उन गांव वालों को धान का बीज देना, पौधा वितरण करना, इन सब चीज़ों को उनको बताया जाता है। बताए जाने के बाद उनको विश्वास भी होता है, होने के बाद वो अपने बच्चे देने के लिए तैयार होते हैं। उनको शिक्षा का महत्व तो समझ में आता है कि शिक्षा देने से उनके बच्चों के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? हाँ, उनको जब बताया जाता है तब वो पूरी तरह से समझते भी हैं और समाज में आगे बढ़ने के लिए उनका जो सहयोग है वो करने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे बड़ी बात देखा जाता है जो माता जी हैं, जो महिलाएँ हैं, सबसे पहले वो अपने बच्चे और बच्चियों को हाथ पकड़ के लाते हैं और सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, महाराज इसको ले जाओ, बस उसको यही शब्द सुनने में आता है। बच्चे अगर रोते हैं वो माँ ही है जो बच्चे को हाथ पकड़ के खींच के हमारे जीप तक लेके आते हैं, और कभी कभार देखा जाता है माँ अपने से कहीं से 10 रुपया 5 रुपया ला के बच्चों के हाथ में देती है और समझाती रहती है, आश्रम जा बेटा, अच्छे से पढ़ाई होगा, उस गांव के बच्चे आश्रम में पढ़ रहे हैं, मैं देखी हूँ। वो माँ अपने बोली में बच्चे को समझाती है, पिता थोड़ा सा दूर रहता है इस काम में। हमने आज तक जहाँ पे गए हैं और जितने बच्चे भर्ती कराए आज तक हमने ये 700 से 800 बच्चे भर्ती कराए, उनमें से 95% बच्चे को माँ है, माँ ने ही समझा के हमारे आश्रम में पहुँचाए हैं। और जब बच्चे अभी हमारे पास थोड़ा बड़े हो जाते हैं उन बच्चों को हम वो घटना को बताते हैं कि पढ़ने के लिए तुम्हारा माँ ही तुमको हाथ पकड़ के लाकर हम लोग को दिया है, और तुम्हारे अगर माँ पिताजी नहीं चाहते कि पढ़ना तुम्हें आश्रम में पढ़ना या नारायणपुर में आके पढ़ना है तो हम कभी नहीं ला पाते। महाराज एक चीज़ पूछना, जैसे बच्चे जब शुरू इतने प्राकृतिक की गोद से उठकर स्कूल में आते तो उन्हें एक बंदिश सी महसूस होती होगी, तो वो यहाँ से मैंने सुना वो भागने की कोशिश करते, फिर आप लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते, तो उसके बारे में थोड़ा सा बतलाइएगा। कई बार हर साल का ये घटना हमारे यहाँ रहता है। हम जो भीतर के बच्चे लाते हैं वो जीप में बैठे हमारे साथ आते हैं, और बच्चे भी अधिकांश बच्चे इस चीज़ में बहुत बुद्धिमान होते हैं। असल बात क्या है, बिहार जंगलों में रहने की वजह से उनमें साहस बहुत होता है। वो हमारे आश्रम में आता है, जीप से थोड़ा बहुत रास्ता को देख लेता है। देखने के अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, हमारे हर बात को मान रहा है, और जो बच्चे हिंदी बोलना नहीं जानते हैं वो एक दूसरे से माड़िया में बोलते हैं, बात करते हैं। तो कई बार ऐसा घटना हुआ, वो जो अपने साथ एक बैग लेके आते हैं, जो अपने उसके माँ पिताजी उसको बैग दिए, उसमें कुछ पुराना कपड़ा रहता है तो उसमें से कुछ दातुन भी रहता है, माँ अपने दातुन वगैरह कुछ दे देती है, उस बैग को संभाल के रखता है। जब उसको भागने का इच्छा होगा आश्रम से तो बैग को पहले दूसरी जगह छुपाता है, छुपाने के बाद वो खाना खाते समय सामने रहेगा, खाना खाने के बाद जहाँ पे बैग को छुपाया है उस बैग को लेकर धीरे से कहीं गेट से निकल जाएगा, और निकलने के बाद वो जानता है कि जीप इस रास्ते से जाता है, वो रोड किनारे पैदल नहीं चलता है, वो जंगल रास्ते से पैदल चलता है, और हमारा जीप या हमको कहीं देख लिया, हम ढूंढते जाते हैं तो जंगल का से दौड़ना शुरू करते हैं।
कई बार ऐसा घटना हुआ जब हम लोगों को देख के बच्चे भागना शुरू किए, वो बच्चे को हमको ढूंढते हुए एक दिन पूरा लग गया, फिर गांव वाले आए कहाँ गए बच्चे और दूसरे घर में जाकर रुक जाते। और सबसे बड़ी बात है इस आबूजी मार्ग के वनवासी क्षेत्र में एक अलग सा प्रेम तो है आपस में, जब बच्चे भाग जाते हैं, कोई बच्चे शाम होता है हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे, तो जब भी किसी के घर में या गांव में जाता है उस बच्चे को रखने की पूरा व्यवस्था गांव वाले करते हैं, उसके बाद हमें समाचार देते हैं कि महाराज आपका बच्चा हमारे गांव में है हम लोग रखें, तब भी बच्चे को हम लोग पकड़ के लाते हैं। तो वो बच्चा तुरंत आप लोग के साथ आ जाता है या फिर रजिस्टर करता है? नहीं, कभी कभार वो बच्चे रोता भी है और कभी कभार चुपचाप सिर नीचा करके बात मानकर जीप में बैठ जाता है, और इस प्रकार ऐसे अधिकांश बच्चे भागते हैं और सबको हम पकड़ पकड़ के लाते हैं। ये पहले साल की घटना होती है या कि दूसरे साल भी वो ऐसा कुछ करते हैं? पहली से लेकर पांचवी के बीच में प्राय बच्चे भागते हैं, क्योंकि गर्मी छुट्टी में जब बच्चे को हम घर भेजते हैं वो प्राकृतिक के गोद में रहता है 3 महीना, उसके बाद आकर हॉस्टल उनको अच्छा नहीं लगता, 2-3 दिन रुकते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं अच्छा लगता है, उसके बाद वो घर जाने के लिए मन मनाता रहता है, और उसके लिए उसने पूरा 2-3 दिन से पूरा तैयारी करता है, कहाँ से भागना है, किधर से निकलना है, पूरा तैयारी करता है, और अकेला नहीं निकलता, उसके साथ उस गांव के या आसपास गांव के 2-3 बच्चों को एक साथ टीम बना के निकलता है। झोला कभी कभी बार देखा गया रोड किनारे ऐसे बैग पकड़ के पैदल चल रहा है, तो हम पीछे से गए कहाँ जा रहे हो, हम लोग घर जा रहे हैं, अरे तेरे घर का रास्ता इधर नहीं है, नहीं हम लोग इधर से घर चले जाएंगे, उनको घर का रास्ता से वो डामर रोड दिखता है कि जिसमें से जीप में बैठ के आए हैं, वो डामर रोड पकड़ के आगे चलना शुरू कर देते हैं। अच्छा महाराज, मैंने सुना कभी कभी सारे टीचर्स को बच्चे ढूंढने में ही लगा दिया जाता है और अंदर के सेंटर्स में एक टीचर्स को रखवाली के लिए सेंटर के लिए छोड़ के बाकी सब बच्चों को ढूंढते हैं। हाँ। तो उस समय आप लोगों को बहुत चैलेंजिंग फेस करना पड़ता होगा कि बड़ी मुश्किल से लाए हैं वापस ये चले गए, तो आपको कभी लगता होगा फ्रस्ट्रेशन, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? फ्रस्ट्रेशन तो बहुत लगता है, क्योंकि जिस जगह से हम लोग बच्चे को लाते हैं पैदल बस्ता है पगडंडी वाला, और जहाँ से हम लोग चलना शुरू करते हैं गांव तक के बीच में आप देखेंगे कभी जंगल के रास्ते में बहुत कम लोग मुलाकात होता है, और इस बीच में क्या है जंगली भालू और यहाँ पे तेंदुआ का बहुत प्रकोप चलता रहता है, और हमें सिर्फ इस बात का डर लगता रहता है कि जंगल का रास्ता है और वो भाग जाएगा और भालू कहीं मिल गया तो उसको जीवन के लिए बहुत खतरा हो जाता है एक, और दूसरा बरसात के समय जब कोई बच्चा भागता है तब हमें बहुत दुख लगता है और डर भी लगता है, क्योंकि आबूजी मार्ग के जो नदियाँ है छोटे छोटे नदी वो पहाड़ का पानी उसमें आके मिल जाता है, इस कारण से उसमें गहरा स्रोत आ जाता है, और बच्चे जो भागते हैं भागने के लिए निकलते हैं उसके मन में हमेशा घर जाने का ही ध्यान रहता है, वो नदी क्या और नाला क्या वो सब कुछ देखता नहीं कि पानी नदी उफान पर है, वो कूद जाने की कोशिश करता है। ऐसा कई घटना हुआ जब बरसात के समय बच्चे निकल गए, हमारे सारे स्टाफ टीचर सब ढूंढना शुरू कर दिया, और ठाकुर के आशीर्वाद से वो बच्चे बाद में मिल भी गए, लेकिन एक भयावह स्थिति तो बन जाता है कि बच्चे कहाँ गए। और जो बच्चे हम लोग आश्रम में लाते हैं नारायणपुर मुख्यालय से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का रास्ता और पैदल रास्ता रहता है, और बिहार जंगलों में आपको लोग तो रास्ते में नहीं मिलेंगे, या तो जंगलों के भीतर मिलते हैं या उनके घर में, इस कारण से बहुत अच्छा दिक्कत हो जाती है। एक टीचर बता रहे थे कि एक लड़का यहाँ से भागा और उन्होंने पता किया कि उसका घर का एड्रेस क्या, फिर उस रास्ते से वो लोग बाइक लेके वहाँ खड़े रहे और बच्चा वो चुपचाप बाइक पे बैठ कर आ गया, तो ऐसा अचानक वो चुपचाप बैठ के क्यों आ गया, मतलब वापस नहीं, जब उनको लाया जाता है उनके घर वाले भी हमारे सामने बच्चे को समझाते हैं तू भाग कर नहीं आना, क्योंकि हम लोग जब गांव में जाते हैं तो हम लोग इस चीज़ से मतलब भली भांति परिचित रहते हैं कि बच्चे भागते हैं, तो हम गांव वालों को भी गांव वालों के सामने घर वालों को बताते हैं माता पिता को तुम बच्चे को थोड़ा बता दो कि बच्चे भागे नहीं, और बच्चे अगर भागते हैं भाग कर आते हैं तुम उसको डांटना, तो इस कारण से वो बच्चे जो है वो माँ बाप के बात को मानते हैं और मैंने विश्वास रखते हैं, इस कारण से वो बच्चे जो है गाड़ी में बैठ जाते तत्काल, ऐसा कई घटना हुआ है। और जो बच्चे भाग कर गए हैं और हम लोग जो बच्चे पकड़ पकड़ के लाए हैं वो बच्चे अभी देखा जाता है वो बच्चे सबसे ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे होते हैं, अभी अच्छा। 9वीं-10वीं में जो बच्चे गए हैं वो सब कहीं ना कहीं जगह भाग के गए थे। आप उनको बताते हैं कि पहले तुम लोग भाग जाते थे? हाँ, उनको बताता हूँ और उन लोग अभी उस बात को बोलते हैं उतना थोड़ी ना भागे थे हम लोग तो आ जाने वाले थे, तो कुछ कुछ उनके जीवन में स्मृति या घटना भी उनके पास रहता है, और कोई कोई बच्चे तो मुस्कुरा के सी नीचा कर खड़े हो जाते हैं। थैंक यू महाराज, थैंक यू।